महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द प्रीमियर मूवी, जिसके बारे में आप सभी को आज की इस वीडियो में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रखा था, जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों, मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे काफ़ी ज़्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफ़ी सारे हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइट हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों, इस मूवी को ओल्ड डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ओल्ड टीवी प्रीमियर किया जा चुका था। बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारी जगह से इस मूवी को चर्चे देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों, आप लोग सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर के न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखे हो। दोस्तों, ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग नए सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है, उन सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चे रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीजन से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी, वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा। डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को इन्जॉय करने लगे लोग, इस तरह के सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देने लगे। ये सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल प्रीमियर के चांसेस भी रह गया था। पर दोस्तों, जब 2024 में गुंटूर करम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर करम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चांसेस और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं देख रखा है मूवी के डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर डायरेक्टर वंशी पाडिपल्ली, जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारे हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे, पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन उन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे। आप लोगों में से कनकर इन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर के कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह से एज अ सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे। कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर के पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफी ज्यादा बेहतरीन रखने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला। पर दोस्तों, उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे हिंदी के वक्त। उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा हाई कॉस्ट देख रहा था। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा ऊँचे नीचे हो जाता था दोस्तों, मूवी की काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिक्स लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिक्स लेना नहीं पसंद किया, और बाद में इस मूवी के काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चर्चे देखने को मिला। इस तरीके पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सिक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज़ के चर्चे के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों, जिसी दौरान गुंटूर क्रम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे, जो कि बाद में उनकी काफ़ी सारे मूवीज और श्रीमंत हड़ू जैसी कुछ हिट मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी पाडिपल्ली ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थलापति विजय सर के साथ
रश्मिका मंदाना रिलीज कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज़ करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज पे देखने के रीज़न से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज़ के सर्च से मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा, तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी के इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात रह जाएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी के रिलीज प्रीमियर के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चर्चे करवाएंगे, ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए ये काफी खास और काफी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी ऑल ओरिजन के साथ काफ़ी सारे हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को डीजे मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपने लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नई प्रीमियर मूवी के साथ साथ सबसे सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए काफ़ी हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे लीड प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे लोग इस तरह की सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे, जो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज प्रीमियर को लेकर इंतजार कर रखे हो, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चर्चे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नई सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भरत आने नानू को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला, ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा प्रेमी के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो और भरत आने नानू जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ, आप सभी को बता दें वापसी पड़ेपुर ने 2014 में ये बुध मूवी को डायरेक्ट किया था, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा, जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे, जिनमें से बेहतरीन रामचरण को ही लीड कास्टिंग देखने को मिला, जिसके साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन बारिश मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगे थे। आप सभी को बता दें 2023 में बारिश मूवी को प्रीमियर करने के बाद मूवी के चार्ज और पॉपुलरिटी काफ़ी डिफरेंस रह गया और 2010 में वृंदावनम जो भी एक बेहतरीन मूवी है राम पतलानी सर की मूवी के साथ, और 2019 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 4 साल के गैपिंग के साथ 2023 में वारिश मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह भी रह चुका था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इस तरीके से नई प्रीमियर के साथ साथ आप लोग किस डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के साथ आप कोलैबोरेशन पर नई मूवी को इन्जॉय करना पसंद करते हो, आप हमें कॉमेंट्स करिएगा। जब भी सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम आप सभी को मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन और प्रीमियर के बारे में चर्चे और इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। 2024 के अंदर रिलीज में आने वाली महेश बाबू सर की और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी चर्चे में आने वाले हैं, उसके साथ जब सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, हम आप सभी को नई मूवी के चर्चे करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग में से कनकर महेश बाबू सर के स्पेशली फैन हो, आप लोगों को गुंटूर करम ऑलरेडी रिलीज में देखने को मिल चुका है। IMDb की तरफ से एक बेहतरीन रिलीज फिल्म के साथ मूवी मिली हुई महेश बाबू सर के ऑलरेडी काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो नेटवर्क पर। अगर दोस्तों आप सभी में से कनकर प्राइम वीडियो नेटवर्क सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो, तो दोस्तों आप सभी को महेश बाबू सर की हिट मूवी में प्राइम वीडियो नेटवर्क पर ही देखने को मिल जाएगा। अमेजन प्राइम की स्पेशल प्रीमियर के साथ महेश बाबू सर की इससे पहले रिलीज में आई हुई स्पाइडर और प्रीमियर मूवी के साथ काफी सारी सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी काफी सारे डिजिटल नेटवर्क के साथ देखने को मिला। बाद में काफी हिट मूवी मेकर्स भी मूवी के चर्चे में रह गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलेगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये सब मूवी प्रीमियर चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ रह जाएगा और पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ आप सभी को हिट मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों प्रकाश राज बंशी पाड़ी पल्ली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी के साथ काफी बार काम कर चुके थे, पहली बार इन्होंने
स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी में लीड कास्टर अल्लारी नरेश को भी देखने को मिला। पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए महेश बाबूसर का अपकमिंग डेज में यशस राजामौली को लेकर काफी हिट मूवी के एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दोस्तों यशस राजामौली सर ने नई मूवी को प्रीमियर और पॉपुलरिटी में लेकर आने वाले हैं, जिसके कन्फर्म रिलीज प्रीमियर आ चुका है, जिसके रीजन से जो लोग फैन है तो दोस्तों उन सभी के लिए काफी खास बात रहने वाला है। यशस राजामौली वन ऑफ द पॉपुलर जिन्होंने बाहुबली और आरआरआर मूवी जैसी बड़ी मूवी को लेकर आए। पैन इंडिया मूवी के साथ महेश बाबूसर की काफी सारी मूवी तो रिलीज में, पर दोस्तों अभी तक पैन इंडिया मूवीज रिलीज नहीं हुआ, जिसके रीजन से यशस राजामौली ने महेश बाबू को लेकर 2025 पर पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा, तो काफी सक्सेसफुल मूवी की तरह जाएगा। आप लोगों में से कनकन इस तरह के पॉपुलर सिनेमा प्रीमियर की मूवीज और पॉपुलर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों हिट मूवी मेकर्स फैन और हिट मूवी पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर ये काफी खास रह जाएगा। तो दोस्तों पूजा हेगड़े के साथ जो कि महेश बाबू सर के और भी ज्यादा नई मूवी को लेकर एक्सपेक्ट कर रखी है, दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनने वाली काफी सारी हिट मूवीज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ग्रेट इंडियन फिल्म्स और के यू मोहन के सिनेमाग्राफर रिलीज में आने वाली काफी हिट मूवी अपकमिंग डेज में आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द प्रीमियर मूवी, जिसके बारे में आप सभी को आज की इस वीडियो में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रखा था, जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे काफ़ी ज़्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफ़ी सारे हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों इस मूवी को ओल्ड डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ओल्ड टीवी प्रीमियर किया जा चुका था, बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे जगह से इस मूवी को चर्चे देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों आप लोग जो सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर के न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखे हो, दोस्तों ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग नए सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है, उन सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चे रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीजन से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी, वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा। डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को एंजॉय करने लगे, लोग इस तरह के सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देने लगे। ये सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल प्रीमियर के चांसेस भी रह गया था, पर दोस्तों जब 2024 में गुंटूर क्रम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर क्रम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चांसेस और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं देख रखा है। मूवी के डायरेक्टर, जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर डायरेक्टर बंशी पाडिपल्ली, जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारे हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे, पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे। आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर के कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह से एज अ सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर के पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफी ज्यादा बेहतरीन रखने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला, पर दोस्तों उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे। हिंदी के वक्त उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा हाई कॉस्ट देख रहा था। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा ऊँचे नीचे हो जाता था दोस्तों मूवी के काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिस्क लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिस्क लेना नहीं पसंद किया और बाद में इस मूवी के
काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चार्ज से देखने को मिला है। इस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चार्ज से रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सिक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज़ के चार्ज के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों जिसी दौरान गुंटूर क्रम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे, जो कि बाद में उनकी काफ़ी सारे मूवीज और श्रीमंत हड़वो जैसी कुछ हिट मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDB की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी पाड़ेपल्लू ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थालापति विजय सर के साथ रश्मिका मंदाना लीड कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज़ करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज पे देखने के रीजन से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था। बीडे के पॉपुलरिटी के मामलों में अगर दोस्तों आप लोग नए सिनेमा प्रीमियर रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज़ के चार्ज से मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा, तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी के इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात रह जाएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी के रिलीज प्रीमियर के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चर्चे करवाएंगे, ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए ये काफी खास और काफी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी ऑलोजन के साथ काफ़ी सारे हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को डीजे मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपनी लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त, जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नई प्रीमियर मूवी के साथ साथ सबसे सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए काफ़ी हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे लीड प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे लोग इस तरह की सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे, जो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रह गया था। पॉपुलरिटी के मामलों में अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज प्रीमियर को लेकर इंतजार कर रखे हो, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चर्चे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भरत आने नैनू को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला, ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था। पॉपुलरिटी के मामलों में अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो और भरत आने नैनू जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ, आप सभी को बता दें वंशी पाड़ेपल्लू ने 2014 में ये बुद्ध मूवी को डायरेक्ट किया था, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा, जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही लीड कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे, जिनमें से बेहतरीन रामचरण को ही लीड कास्टिंग देखने को मिला, जिसके साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन वारिशु मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगे थे। आप सभी को बता दें 2023 में वारिशु मूवी को प्रीमियर करने के बाद मूवी के चर्चे और पॉपुलरिटी काफ़ी डिफरेंस रह गया और 2010 में वृंदावनम जो भी एक बेहतरीन मूवी है राम कतरानी सर की मूवी के साथ, और 2019 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 4 साल के गैपिंग के साथ 2023 में वारिशु मूवी को इंट्रोड्यूस किया है, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह भी रह चुका था। पॉपुलरिटी के मामले में अगर दोस्तों नई और प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ आप लोग किस डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के साथ आप कोलैबोरेशन पर नई मूवी को इंजॉय करना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जब भी सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम आप सभी को मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन और प्रीमियर के बारे में चर्चे और इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। 2024 के अंदर रिलीज में आने वाले महेश बाबू सर की और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी चर्चे में आने वाले हैं, उसके साथ जब सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, हम आप सभी को नई मूवी के चर्चे करवाएंगे।
तो दोस्तों आप लोगों में से कनकर महेश बाबू सर के स्पेशली फैन हो, आप लोगों को गुंटूर करम ऑलरेडी रिलीज में देखने को मिल चुका है आईएमडीबी की तरफ से एक बेहतरीन रिलीज फिल्म के साथ। मूवी मिली हुई महेश बाबू सर के ऑलरेडी काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो नेटवर्क पर। अगर दोस्तों आप सभी में से कनकर प्राइम वीडियो नेटवर्क सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो तो दोस्तों आप सभी को महेश बाबू सर की हिट मूवी मेकिंग प्राइम वीडियो नेटवर्क पर ही देखने को मिल जाएगा। अमेजन प्राइम की स्पेशल प्रीमियर के साथ महेश बाबू सर की इससे पहले रिलीज में आई हुई स्पाइडर और प्रीमियर मूवी के साथ काफी सारी सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी काफी सारे डिजिटल नेटवर्क के साथ देखने को मिला। बाद में काफी हिट मूवी मेकर्स भी इन मूवी के चर्चे में रह गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये सब मूवी प्रीमियर चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ रह जाएगा और पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ आप सभी को हिट मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा ताकि दोस्तों प्रकाश राज वंशी पाडिपल्ली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी के साथ काफी बार काम कर चुके थे। पहली बार इन्होंने स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी में लीड कास्टर अल्लारी नरेश को भी देखने को मिला। पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए महेश बाबू सर का अपकमिंग डेज में यशस राजामौली को लेकर काफी हिट मूवी के एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दोस्तों यशस राजामौली सर ने नई मूवी को प्रीमियर और पॉपुलरिटी में लेकर आने वाले हैं जिसके कन्फर्म रिलीज प्रीमियर आ चुका है। जिसके रीजन से जो लोग फैन है तो दोस्तों उन सभी के लिए काफी खास बात रहने वाला है। यशस राजामौली वन ऑफ द पॉपुलर जिन्होंने बाहुबली और आरआरआर मूवी जैसी बड़ी मूवी को लेकर आए। पैन इंडिया मूवी के साथ महेश बाबू सर की काफी सारी मूवी तो रिलीज में पर दोस्तों अभी तक पैन इंडिया मूवीज रिलीज नहीं हुआ जिसके रीजन से यशस राजामौली ने महेश बाबू को लेकर 2025 पर पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा तो काफी सक्सेसफुल मूवी की तरह रह जाएगा। आप लोगों में से कनकन इस तरह के पॉपुलर सिनेमा प्रीमियर की मूवीज और पॉपुलर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा ताकि दोस्तों हिट मूवी मेकर्स फैन और हिट मूवी पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर ये काफी खास रह जाएगा। तो दोस्तों पूजा हेगड़े के साथ जो कि महेश बाबू सर के और भी नई मूवी को लेकर एक्सपेक्ट कर रखी है। दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनने वाली काफी सारी हिट मूवीज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ग्रेट इंडियन फिल्म्स और के यू मोहन के सिनेमाग्राफर रिलीज में आने वाली काफी हिट मूवी अपकमिंग डेज में आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द प्रीमियर मूवी जिसके बारे में आप सभी को आज की इस वीडियो में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। आईएमडीबी की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रहा था जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे काफी ज्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफी सारे हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों इस मूवी को ऑल डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ऑल टीवी प्रीमियर किया जा चुका था। बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफी सारे जगह से इस मूवी को चर्चे देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों आप लोग सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर के न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखे हो। दोस्तों ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग नए सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चे रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीजन से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा। डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को एंजॉय करने लगे, लोग इस तरह के सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देने लगे। ये सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल प्रीमियर के चांसेस भी रह गया था। पर दोस्तों जब 2024 में गुंटूर करम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर करम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चांसे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं देख रखा है। मूवी के डायरेक्टर, जी हाँ दोस्तों पॉपुलर डायरेक्टर वंशी पाडिपल्ली जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारे हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे, पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे।
आप लोगों में से कन क्रेन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर की कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलैरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एज अ सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरीके सिनेमा रिलीज की पॉपुलैरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे। कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर के पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफी ज्यादा बेहतरीन रखने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला। पर दोस्तों उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे हिंदी के वक्त। उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा हाई कॉस्ट रेट रहता है। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा उचे नीचे हो जाता था दोस्तों मूवी की काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिक्स लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिक्स लेना नहीं पसंद किया। और बाद में इस मूवी के काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चर्चे देखने को मिला। इस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सिक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा। और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज के चर्चे के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों इसी दौरान गुंटूर क्रम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे, जो कि बाद में उनकी काफ़ी सारे मूवीज और श्रीमंत हड़ू जैसी कुछ हिज मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी पाडेपल्लू ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थालापति विजय सर के साथ रश्मिका मंदाना लीड कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज में देखने के रीजन से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नए सिनेमा प्रीमियर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी के इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात भी रह जाएगा वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी के रिलीज प्रीमियर के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चर्चे करवाएंगे, ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं उन सभी के लिए ये काफी खास और काफी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी अल्लूर्जुन के साथ काफ़ी सारी हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को DJ मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपनी लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त, जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नए प्रीमियर मूवी के साथ साथ सबसे सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए काफी हिट मूवीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफी सारी नई मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे लीड प्रीमियर के फैन और काफी सारे लोग इस तरह की सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे, जो आप सभी के लिए भी काफी ज्यादा खास रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज प्रीमियर को लेकर इंतजार कर रखे हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चर्चे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भरत आने नैनू को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला, ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो और भरत आने नैनू जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ, आप सभी को बता दें वंशी पाडेपल्लू ने 2014 में ये बुद्ध मूवी को डायरेक्ट किया था, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा, जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही
लीड कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे, जिन्हें से बेहतरीन रामचरण को ही लीड कास्टिंग देखने को मिला, जिसके साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फ्रेंड वारिशु मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगे थे। आप सभी को बता दें 2023 में वारिशु मूवी को प्रीमियर करने के बाद मूवी के चर्चे और पॉपुलरिटी काफ़ी डिफरेंस रह गया और 2010 में वृंदावनम जो भी एक बेहतरीन मूवी है राम कतरानी सर की मूवी के साथ, और 2019 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 4 साल के गैपिंग के साथ 2023 में वारिशु मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह भी रह चुका था। पॉपुलरिटी के मामले में अगर दोस्तों नई और प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो इस तरीके से नई प्रीमियर के साथ साथ आप लोग किस डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के साथ आप कोलैबोरेशन पर नई मूवी को इंजॉय करना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जहाँ भी सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चर्चे और पॉपुलरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम आप सभी को मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन और प्रीमियर के बारे में चर्चे और इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा 2024 के अंदर रिलीज में आने वाली महेश बाबू सर की और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी चर्चे में आने वाले हैं। उसके साथ जब सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, हम आप सभी को नई मूवी के चर्चे करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकर महेश बाबू सर के स्पेशली फैन हो, आप लोगों को गुंटूर करम ऑलरेडी रिलीज में देखने को मिल चुका है IMDb की तरफ से एक बेहतरीन रिलीज फिल्म के साथ। मूवी मिली हुई महेश बाबू सर के ऑलरेडी काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो नेटवर्क पर। अगर दोस्तों आप सभी में से कनकर प्राइम वीडियो नेटवर्क सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो तो दोस्तों आप सभी को महेश बाबू सर की हिट मूवी मेकिंग प्राइम वीडियो नेटवर्क पर ही देखने को मिल जाएगा। अमेजन प्राइम की स्पेशल प्रीमियर के साथ महेश बाबू सर की इससे पहले रिलीज में आई हुई स्पाइडर और प्रीमियर मूवी के साथ काफी सारी सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी काफी सारे डिजिटल नेटवर्क के साथ देखने को मिला। बाद में काफी हिट मूवी मेकर्स भी मूवी के चर्चे में रह गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलेगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये सब मूवी प्रीमियर चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ रह जाएगा और पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ आप सभी को हिट मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों प्रकाश राज वंशी पाडिपल्ली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी के साथ काफी बार काम कर चुके थे, पहली बार इन्होंने स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी में लीड कास्टर अल्लारी नरेश को भी देखने को मिला। पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं महेश बाबू सर का अपकमिंग डेज में यशस राजामौली को लेकर काफी हिट मूवी के एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दोस्तों यशस राजामौली सर ने नई मूवी को प्रीमियर और पॉपुलरिटी में लेकर आने वाले हैं, जिसके कन्फर्म रिलीज प्रीमियर आ चुका है, जिसके रीजन से जो लोग फैन है तो दोस्तों उन सभी के लिए काफी खास बात रहने वाला है। यशस राजामौली वन ऑफ द पॉपुलर जिन्होंने बाहुबली और RRR मूवी जैसी बड़ी मूवी को लेकर आए। पैन इंडिया मूवी के साथ महेश बाबू सर की काफी सारी मूवी तो रिलीज में, पर दोस्तों अभी तक पैन इंडिया मूवीज रिलीज नहीं हुआ, जिसके रीजन से यशस राजामौली ने महेश बाबू को लेकर 2025 पर पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा, तो काफी सक्सेसफुल मूवी की तरह रह जाएगा। आप लोगों में से कनकन इस तरह के पॉपुलर सिनेमा प्रीमियर की मूवीज और पॉपुलर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों हिट मूवी मेकर्स फैन और हिट मूवी पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर ये काफी खास रह जाएगा। तो दोस्तों पूजा हेगड़े के साथ जो कि महेश बाबू सर के और भी ज्यादा नई मूवी को लेकर एक्सपेक्ट कर रखी है, दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनने वाली काफी सारी हिट मूवीज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ग्रेट इंडियन फिल्म्स और KU मोहन के सिनेमाग्राफर रिलीज में आने वाली काफी हिट मूवी अपकमिंग डेज में आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द प्रीमियर मूवी, जिसके बारे में आप सभी को आज की स्पीड में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रहा था, जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे काफ़ी ज़्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफ़ी सारे हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों इस मूवी को ओल्ड डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ओल्ड टीवी प्रीमियर किया जा चुका था। बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारी जगह से इस मूवी को चर्चे देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों आप लोग जो सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर के न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखे हो, तो दोस्तों ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग नए सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए
ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चा रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीज़न से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी, वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा। डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को इन्जॉय करने लगे, लोग इस तरह के सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देने लगे। इस सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल प्रीमियर के चांसेस भी रह गया था। पर दोस्तों जब 2024 में गुंटूर करम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर करम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चांसे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं देख रखा है। मूवी के डायरेक्टर, जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर डायरेक्टर वंशी पाडिपल्ली, जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारी हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे, पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन उन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे। आप लोगों में से कनकरीन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर के कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एज अ सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे। कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर के पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफी ज्यादा बेहतरीन रखने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला। पर दोस्तों उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे हिंदी के वक्त। उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा हाई कॉस्ट देख रहा था। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा उच्च नीचे हो जाता था दोस्तों मूवी की काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिक्स लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिक्स लेना नहीं पसंद किया और बाद में इस मूवी के काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चर्चे देखने को मिला। इस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सिक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज़ के चर्चे के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों जिसी दौरान गुंटूर करम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे, जो कि बाद में उनकी काफ़ी सारे मूवीज और श्रीमंत हड़वो जैसी कुछ हिट मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDB की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी पाडिपल्ली ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थलापति विजय सर के साथ रश्मिका मंदाना लीड कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज़ करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज में देखने के रीजन से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नए सिनेमा प्रीमियर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा, तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी के इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात रह जाएगा वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी के रिलीज प्रीमियर के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चर्चे करवाएंगे, ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं उन सभी के लिए ये काफी खास और काफी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी अल्लूअर्जुन के साथ काफ़ी सारी हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को DJ मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपनी लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त, जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नई प्रीमियर मूवी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम
आप सभी के लिए काफ़ी हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के चर्चा रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे, लीड प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे लोग इस तरह की सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे, जो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज प्रीमियर को लेकर इंतजार कर रखे हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चर्चे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नई सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भरत आने नैनू को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला, ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो और भरत आने नैनू जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ, आप सभी को बता दें वंशी पड़कर ने 2014 में ये बदो मूवी को डायरेक्ट किया था, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा, जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही लीड कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे, जिनमें से बेहतरीन रामचरण को ही लीड कास्टिंग देखने को मिला, जिसके साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन बारिश मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगे थे। आप सभी को बता दें 2023 में बारिश मूवी को प्रीमियर करने के बाद मूवी के चर्चे और पॉपुलरिटी काफ़ी डिफरेंस रह गया और 2010 में वृंदावनम जो भी एक बेहतरीन मूवी है रामपत रानी सर की मूवी के साथ, और 2019 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 4 साल के गैपिंग के साथ 2023 में वारिशी मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह भी रह चुका था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो इस तरीके से नई प्रीमियर के साथ साथ आप लोग किस डिजिटल नेटवर्क की प्रीमियर के साथ आप कोलैबोरेशन पर नई मूवी को इन्जॉय करना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जब भी सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम आप सभी को मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन और प्रीमियर के बारे में चर्चे और इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। 2024 के अंदर रिलीज में आने वाले महेश बाबू सर की और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी चर्चे में आने वाले हैं। उसके साथ जब सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, हम आप सभी को नई मूवी के चर्चे करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन महेश बाबू सर के स्पेशली फैन हो, आप लोगों को गुंटूर करम ऑलरेडी रिलीज में देखने को मिल चुका है। IMDb की तरफ से एक बेहतरीन रिलीज फिल्म के साथ मूवी मिली हुई महेश बाबू सर के ऑलरेडी काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो नेटवर्क पर। अगर दोस्तों आप सभी में से कनकन प्राइम वीडियो नेटवर्क सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो तो दोस्तों आप सभी को महेश बाबू सर की हिट मूवी मेकिंग प्राइम वीडियो नेटवर्क पर ही देखने को मिल जाएगा। अमेजन प्राइम की स्पेशल प्रीमियर के साथ महेश बाबू सर की इससे पहले रिलीज में आई हुई स्पाइडर और प्रीमियर मूवी के साथ काफी सारी सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी काफी सारे डिजिटल नेटवर्क के साथ देखने को मिला। बाद में काफी हिट मूवी मेकर्स भी इन मूवी के चर्चे में रह गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये सब मूवी प्रीमियर चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ रह जाएगा और पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ आप सभी को हिट मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों प्रकाश राज वंशी पड़कर की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी के साथ काफी बार काम कर चुके थे, पहली बार इन्होंने स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी में लीड कास्टर अल्लारी नरेश को भी देखने को मिला। पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए महेश बाबू सर का अपकमिंग डेज में यशस राजामौली को लेकर काफ़ी हिट मूवी के एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दोस्तों यशस राजामौली सर ने नई मूवी को प्रीमियर और पॉपुलरिटी में लेकर आने वाले हैं, जिसके कन्फर्म रिलीज प्रीमियर आ चुका है, जिसके रीजन से जो लोग फैन है तो दोस्तों उन सभी के लिए काफ़ी खास बात रहने वाला है। यशस राजामौली वन ऑफ द पॉपुलर जिन्होंने बाहुबली और RRR मूवी जैसी बड़ी मूवी को लेकर आए। पैन इंडिया मूवी के साथ महेश बाबू सर ने काफ़ी सारी मूवी तो रिलीज किया, पर दोस्तों अभी तक पैन इंडिया मूवीज रिलीज नहीं हुआ, जिसके रीजन से यशस राजामौली ने महेश बाबू को लेकर 2025 पर पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा, तो काफी सक्सेसफुल मूवी की तरह रह जाएगा। आप लोगों में से कनकन इस तरह के पॉपुलर सिनेमा प्रीमियर की मूवीज और पॉपुलर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों हिट मूवी मेकर्स फैन और हिट मूवी पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर ये काफी खास रह जाएगा। तो दोस्तों पूजा हेगड़े के साथ जो कि महेश बाबू सर के और भी ज्यादा नई मूवी को लेकर एक्सपेक्ट कर रखी है, दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनने वाली काफी सारी हिट मूवीज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पटेल ग्रेट इंडियन फिल्म्स और के ऊ मोहन के सिनेमाग्राफर रिलीज में आने वाली काफी हिट मूवी अपकमिंग डेज में आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द
प्रीमियर मूवी जिसके बारे में आप सभी को आज की स्पीड में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रहा था, जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों मूवी के पॉपुलैरिटी और चर्चे काफी ज्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफी सारे हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों इस मूवी को ऑल डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ऑल टीवी प्रीमियर किया जा चुका था। बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफी सारी जगह से इस मूवी को चार्ज से देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों आप लोग जो सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर की न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखे हो, तो दोस्तों ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग महेश सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चे रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीजन से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी, वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा। डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को एंजॉय करने लगे, लोग इस तरह के सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देने लगे। ये सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल प्रीमियर के चांसेस भी रह गया था। पर दोस्तों जब 2024 में गुंटूर क्रम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर क्रम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चांसेस और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं देख रखा है। मूवी के डायरेक्टर, जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर डायरेक्टर वंशी पाडिपल्ली, जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारे हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे, पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेस मूवी को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे। आप लोगों में से कनकर इन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर के कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरीके सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफी ज्यादा बेहतरीन रखने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला। पर दोस्तों उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे हिंदी के वक्त, उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा हाई कॉस्ट देख रहा था। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा उचे नीचे हो जाता था दोस्तों मूवी की काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिक्स लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिक्स लेना नहीं पसंद किया और बाद में इस मूवी के काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चर्चे देखने को मिला। इस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सिक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज़ के चर्चे के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों जिस दौरान गुंटूर क्रम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह गए थे, जो कि बाद में उनकी काफ़ी सारे मूवीज और श्रीमंत हड़ू जैसी कुछ हिट मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी पाडिपल्ली ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थालापति विजय सर के साथ रश्मिका मंदाना लीड कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज़ करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज में देखने के रीजन से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नए सिनेमा प्रीमियर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा, तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी के इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात भी
काफ़ी रेज आएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफ़ी सारे सुपर सक्सेस मूवी के रिलीज फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चर्चे करवाएंगे ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी खास और काफ़ी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी अल्लूअर्जुन के साथ काफ़ी सारे हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को डीजे मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपनी लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नई प्रीमियर मूवी के साथ साथ सबसे सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कॉमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए काफ़ी हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे लीड प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे लोग इस तरह की सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे जो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रह गया था। पॉपुलरिटी के मामलों में अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज फिल्म को लेकर इंतजार कर रखे हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चर्चे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भरत आने नानू को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था। पॉपुलरिटी के मामलों में अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा प्रेमी के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो और भरत आने नानू जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ आप सभी को बता दें वंशी पड़ेपुर ने 2014 में ये बुद्ध मूवी को डायरेक्ट किया था जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही लीड कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे जिनमें से बेहतरीन रामचरण को ही लीड कास्टिंग देखने को मिला जिसके साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन बारिशो मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगे थे। आप सभी को बता दें 2023 में बारिशो मूवी को प्रीमियर करने के बाद मूवी के चार्ज और पॉपुलरिटी काफ़ी डिफरेंस रह गया और 2010 में वृंदावनम जो भी एक बेहतरीन मूवी है रामपत्र रानी सर की मूवी के साथ और 2019 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 4 साल की गैपिंग के साथ 2023 में वारिशी मूवी को इंट्रोड्यूस किया जो सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह भी रह चुका था। पॉपुलरिटी के मामले में अगर दोस्तों नई और प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो इस तरीके से नई प्रीमियर के साथ साथ आप लोग किस डिजिटल नेटवर्क की प्रीमियर के साथ आप कोलैबोरेशन पर नई मूवी को इन्जॉय करना पसंद करते हो आप हमें कमेंट्स करिएगा। जब भी सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हम आप सभी को मूवी की रिलीज इन्फॉर्मेशन और प्रीमियर के बारे में चर्चे और इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। 2024 के अंदर रिलीज में आने वाले महेश बाबू सर की और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी चर्चे में आने वाले हैं। उसके साथ जब सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा हम आप सभी को नई मूवी के चर्चे करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग में से कनकर महेश बाबू सर के स्पेशली फैन हो आप लोगों को गुंटूर करम ऑलरेडी रिलीज में देखने को मिल चुका है। IMDb की तरफ से एक बेहतरीन रिलीज फिल्म के साथ मूवी मिली हुई महेश बाबू सर के ऑलरेडी काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो नेटवर्क पर। अगर दोस्तों आप सभी में से कनकन प्राइम वीडियो नेटवर्क सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो तो दोस्तों आप सभी को महेश बाबू सर की हिट मूवी मेकिंग प्राइम वीडियो नेटवर्क पर ही देखने को मिल जाएगा। अमेजन प्राइम की स्पेशल प्रीमियर के साथ महेश बाबू सर की इससे पहले रिलीज में आई हुई स्पाइडर और प्रीमियर के साथ काफी सारी सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी काफी सारे डिजिटल नेटवर्क के साथ देखने को मिला। बाद में काफी हिट मूवी मेकर्स भी इन मूवी के चर्चे में रह गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये सब मूवी प्रीमियर चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ रह जाएगा और पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ आप सभी को हिट मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा ताकि दोस्तों प्रकाश राज वंशी पड़ेपल्ली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी के साथ काफी बार काम कर चुके थे। पहली बार इन्होंने स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी में लीड कास्टर अल्लारी नरेश को भी देखने को मिला। पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए महेश बाबू सर का अपकमिंग डेज में यशस राजामौली को लेकर काफ़ी हिट मूवी के एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दोस्तों यशस राजामौली सर ने नई मूवी को प्रीमियर और पॉपुलरिटी में लेकर आने वाले हैं जिसके कन्फर्म रिलीज प्रीमियर आ चुका है जिसके रीजन से जो लोग फैन है तो दोस्तों उन सभी के लिए काफ़ी खास बात रहने वाला है। यशस राजामौली वन ऑफ द पॉपुलर जिन्होंने बाहुबली और RRR मूवी जैसी बड़ी मूवी को लेकर आए। पैन इंडिया मूवी के साथ महेश बाबू सर की काफ़ी सारी मूवी तो रिलीज में
पर दोस्तों अभी तक पैन इंडिया मूवीज रिलीज नहीं हुआ, जिसके रीजन से यश राजामौली ने महेश बाबू को लेकर 2025 पर पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा, तो काफी सक्सेसफुल मूवी की तरह रह जाएगा। आप लोगों में से कनकन इस तरह के पॉपुलर सिनेमा प्रीमियर की मूवीज और पॉपुलर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों हिट मूवी मेकर्स फैन और हिट मूवी पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर ये काफी खास रह जाएगा। तो दोस्तों पूजा हेगड़े के साथ जो कि महेश बाबू सर के और भी ज्यादा नई मूवी को लेकर एक्सपेक्ट कर रखी है, दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनने वाली काफी सारी हिट मूवीज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ग्रेट इंडियन फिल्म्स और के यू मोहन के सिनेमाग्राफर रिलीज में आने वाली काफी हिट मूवी अपकमिंग डेज में आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द प्रीमियर मूवी, जिसके बारे में आप सभी को आज की इस वीडियो में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रखा था, जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे काफी ज्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफी सारे हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों इस मूवी को ओल्ड डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ओल्ड टीवी प्रीमियर किया जा चुका था, बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफी सारे जगह से इस मूवी को चर्चे देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों आप लोग सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर के न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखे हो। तो दोस्तों ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग महेश सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है, उन सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चे रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीजन से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी, वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा। डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को एंजॉय करने लगे लोग, इस तरह के सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देने लगे। ये सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल प्रीमियर के चांसेस भी रह गया था। पर दोस्तों जब 2024 में गुंटूर करम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर करम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमाघरों पर इन मूवीज के चांसेस और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं देख रखा है। मूवी के डायरेक्टर, जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर डायरेक्टर वंशी पाडिपल्ली, जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारे हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे, पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे। आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर के कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह से एज अ सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे। कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफी ज्यादा बेहतरीन रखने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला। पर दोस्तों उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे हिंदी के वक्त, उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा हाई कॉस्ट देख रहा था। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा ऊंचे नीचे हो जाता था तो दोस्तों मूवी की काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिक्स लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिक्स लेना नहीं पसंद किया, और बाद में इस मूवी के काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चर्चे देखने को मिला। इस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सीक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज़ के चर्चे के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों इसी दौरान गुंटूर क्रम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे, जो कि बाद में उनकी
काफ़ी सारे मूवीज़ और श्रीमंत हड़वो जैसी कुछ हिट मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDB की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी पाड़ेपल्लू ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज़ किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थालापति विजय सर के साथ रश्मिका मंदाना लीड कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज़ करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज में देखने के रीज़न से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज़ के चर्चे मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा, तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी के इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात रह जाएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी के रिलीज प्रीमियर के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चर्चे करवाएंगे, ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए ये काफी खास और काफी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी अल्लूअर्जुन के साथ काफ़ी सारी हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को DJ मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपने लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त, जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नई प्रीमियर मूवी के साथ साथ सबसे सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए काफ़ी हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफ़ी सारे नई मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे लीड प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे लोग इस तरह की सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे, जो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज प्रीमियर को लेकर इंतजार कर रखे हो, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चर्चे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नई सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भरत आने नैनू को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला, ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो और भरत आने नैनू जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ, आप सभी को बता दें वंशी पाड़ेपल्लू ने 2014 में यमधु मूवी को डायरेक्ट किया था, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा, जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे, जिनमें से बेहतरीन रामचरण को ही लीड कास्टिंग देखने को मिला, जिसके साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन बारिश मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगे थे। आप सभी को बता दें 2023 में वारिश मूवी को प्रीमियर करने के बाद मूवी के चार्ज और पॉपुलरिटी काफ़ी डिफरेंस रह गया और 2010 में वृंदावनम जो भी एक बेहतरीन मूवी है रामपति रानी सर की मूवी के साथ, और 2019 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 4 साल के गैपिंग के साथ 2023 में वारिशु मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह भी रह चुका था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इस तरीके से नई प्रीमियर के साथ साथ आप लोग किस डिजिटल नेटवर्क की प्रीमियर के साथ आप कोलैबोरेशन पर नई मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जब भी सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चर्चे और पॉपुलरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम आप सभी को मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन और प्रीमियर के बारे में चर्चे और इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। 2024 के अंदर रिलीज में आने वाली महेश बाबू सर की और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी चर्चे में आने वाले हैं, उसके साथ जब सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, हम आप सभी को नई मूवी के चर्चे करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग में से कनकर महेश बाबू सर के स्पेशली फैन हो, आप लोगों को गुंटूर करम ऑलरेडी रिलीज में देखने को मिल चुका है। IMDB की तरफ से एक बेहतरीन रिलीज फिल्म के साथ मूवी मिली हुई महेश बाबू सर के ऑलरेडी काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो नेटवर्क पर। अगर दोस्तों आप सभी में से कनकर प्राइम वीडियो नेटवर्क सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो, तो दोस्तों आप सभी को महेश बाबू सर की हिट मूवी मेकिंग प्राइम वीडियो नेटवर्क पर ही देखने को मिल जाएगा। Amazon प्राइम की स्पेशल प्रीमियर के साथ महेश बाबू सर की इससे पहले रिलीज में आई हुई स्पाइडर और प्रीमियर मूवी
मूवी के साथ काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क के साथ देखने को मिला। बाद में काफ़ी हिट मूवी मेकर्स भी इन मूवी के चर्चे में रह गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलेगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये सब मूवी प्रीमियर चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ रह जाएगा और पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ आप सभी को हिट मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों प्रकाश राज बंशी पाडिपल्ली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी के साथ काफ़ी बार काम कर चुके थे, पहली बार इन्होंने स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी में लीड कास्टर अल्लारी नरेश को भी देखने को मिला। पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं महेश बाबू सर का अपकमिंग डेज में यश राजामौली को लेकर काफ़ी हिट मूवी के एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दोस्तों यश राजामौली सर ने नई मूवी को प्रीमियर और पॉपुलरिटी में लेकर आने वाले हैं, जिसके कन्फर्म रिलीज प्रीमियर आ चुका है, जिसके रीजन से जो लोग फैन है तो दोस्तों उन सभी के लिए काफ़ी खास बात रहने वाला है। यश राजामौली वन ऑफ द पॉपुलर जिन्होंने बाहुबली और आरआरआर मूवी जैसी बड़ी मूवी को लेकर आए। पैन इंडिया मूवी के साथ महेश बाबू सर की काफ़ी सारी मूवी को रिलीज किया, पर दोस्तों अभी तक पैन इंडिया मूवीज रिलीज नहीं हुआ, जिसके रीजन से यशस राजामौली ने महेश बाबू को लेकर 2025 पर पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा, तो काफी सक्सेसफुल मूवी की तरह रह जाएगा। आप लोगों में से कनकन इस तरह के पॉपुलर सिनेमा प्रीमियर की मूवीज और पॉपुलर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों हिट मूवी मेकर्स फैन और हिट मूवी पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर ये काफी खास रह जाएगा। तो दोस्तों पूजा हेगड़े के साथ जो कि महेश बाबू सर के और भी ज्यादा नई मूवी को लेकर एक्सपेक्ट कर रखी है। दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनने वाली काफी सारी हिट मूवीज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ग्रेट इंडियन फिल्म्स और के यू मोहन के सिनेमाग्राफर रिलीज में आने वाली काफी हिट मूवी अपकमिंग डेज में आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द प्रीमियर मूवी, जिसके बारे में आप सभी को आज के स्पीड में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफ़ी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रखा था, जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफ़ी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों मूवी के पॉपुलैरिटी और चर्चे काफ़ी ज़्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफ़ी सारे हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों इस मूवी को ओल्ड डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ओल्ड टीवी प्रीमियर किया जा चुका था। बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारी जगह से इस मूवी को चर्चे देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों आप लोग जो सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर के न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखे हो, दोस्तों ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग नए सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है, उन सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चे रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीजन से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी, वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा। डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को एंजॉय करने लगे, लोग इस तरह के सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देने लगे। ये सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल प्रीमियर के चांसेस भी रह गया था। पर दोस्तों जब 2024 में गुंटूर क्रम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर क्रम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चांसेस और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं देख रखा है। मूवी के डायरेक्टर, जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर डायरेक्टर बंशी पाडिपल्ली, जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारी हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे, पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे। आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर के कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह से एज अ सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे। कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर
के पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रखने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला। पर दोस्तों उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे हिंदी के वक्त, उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट लेकर रहता है। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा ऊँचे नीचे हो जाता था दोस्तों मूवी की काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिस्क लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिस्क लेना नहीं पसंद किया, और बाद में इस मूवी के काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चार्ज से देखने को मिला। इस तरीके पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चार्ज से और रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सिक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज़ के चार्ज के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों इसी दौरान गुंटूर क्रम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे, जो कि बाद में उनकी काफ़ी सारे मूवीज और श्रीमंत हड़वो जैसी कुछ हिच मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDB की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी पाडिपोल ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थालापति विजय सर के साथ रश्मिका मंदाना लीड कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज़ करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज में देखने के रीजन से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था बीडे के पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज के चार्ज से मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा, तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी के इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात रह जाएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी के रिलीज प्रीमियर के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चर्चे करवाएंगे, ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं उन सभी के लिए ये काफी खास और काफी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी ऑलोजन के साथ काफ़ी सारे हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को DJ मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपनी लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त, जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नई प्रीमियर मूवी के साथ साथ सबसे सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए काफ़ी हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे लीड प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे लोग इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे, जो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज प्रीमियर को लेकर इंतजार कर रखे हो, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चर्चे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नई सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भरत आने नैनू को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला, ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो और भरत आने नैनू जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ, आप सभी को बता दें वंशी पाडिपोल ने 2014 में ये बुद्ध मूवी को डायरेक्ट किया था, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा, जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही लीड कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे, जिनमें से बेहतरीन रामचरण को ही लीड कास्टिंग देखने को मिला, जिसके साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन वारिशु मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगे थे। आप सभी को बता दें 2023 में वारिशु मूवी को प्रीमियर करने के बाद मूवी के चार्ज और पॉपुलरिटी काफ़ी डिफरेंस रह गया, और 2010 में वृंदावनम जो भी एक बेहतरीन मूवी है राम पतरानी सर की मूवी के साथ, और 2019 के बाद उन्होंने डायरेक्ट
चार साल के गैपिंग के साथ 2023 में वारिशु मूवी को इंट्रोड्यूस किया है, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह भी रह चुका था। पॉपुलरिटी के मामले में अगर दोस्तों नई और प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इस तरीके से नई प्रीमियर के साथ साथ आप लोग किस डिजिटल नेटवर्क की प्रीमियर के साथ आप कोलैबोरेशन पर नई मूवी को इन्जॉय करना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जब भी सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम आप सभी को मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन और प्रीमियर के बारे में चर्चे और इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। 2024 के अंदर रिलीज में आने वाले महेश बाबू सर की और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी चर्चे में आने वाले हैं। उसके साथ जब सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, हम आप सभी को नई मूवी के चर्चे करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग में से कनकर महेश बाबू सर के स्पेशली फैन हो, आप लोगों को गुंटूर करम ऑलरेडी रिलीज में देखने को मिल चुका है। IMDb की तरफ से एक बेहतरीन रिलीज फिल्म के साथ मूवी मिली हुई महेश बाबू सर के ऑलरेडी काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो नेटवर्क पर। अगर दोस्तों आप सभी में से कनकर प्राइम वीडियो नेटवर्क सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो, तो दोस्तों आप सभी को महेश बाबू सर की हिट मूवी मेकिंग प्राइम वीडियो नेटवर्क पर ही देखने को मिल जाएगा। अमेजन प्राइम की स्पेशल प्रीमियर के साथ महेश बाबू सर की इससे पहले रिलीज में आई हुई स्पाइडर और प्रीमियर मूवी के साथ काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क के साथ देखने को मिला। बाद में काफ़ी हिट मूवी मेकर्स भी इन मूवी के चर्चे में रह गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलेगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये सब मूवी प्रीमियर चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ रह जाएगा और पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ आप सभी को हिट मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों प्रकाश राज वंशी पाडिपल्ली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी के साथ काफ़ी बार काम कर चुके थे, पहली बार इन्होंने स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी में लीड कास्टर अल्लारी नरेश को भी देखने को मिला। पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं महेश बाबू सर का अपकमिंग डेज में यशस राजामौली को लेकर काफ़ी हिट मूवी के एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दोस्तों यशस राजामौली सर ने नई मूवी को प्रीमियर और पॉपुलरिटी में लेकर आने वाले हैं, जिसके कन्फर्म रिलीज प्रीमियर आ चुका है, जिसके रीजन से जो लोग फैन है तो दोस्तों उन सभी के लिए काफ़ी खास बात रहने वाला है। यशस राजामौली वन ऑफ द पॉपुलर जिन्होंने बाहुबली और RRR मूवी जैसी बड़ी मूवी को लेकर आए। पैन इंडिया मूवी के साथ महेश बाबू सर की काफ़ी सारी मूवी तो रिलीज में, पर दोस्तों अभी तक पैन इंडिया मूवीज रिलीज नहीं हुआ, जिसके रीजन से यशस राजामौली ने महेश बाबू को लेकर 2025 पर पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा, तो काफी सक्सेसफुल मूवी की तरह रह जाएगा। आप लोगों में से कनकन इस तरह के पॉपुलर सिनेमा प्रीमियर की मूवीज और पॉपुलर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों हिट मूवी मेकर्स फैन और हिट मूवी पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर ये काफी खास रह जाएगा। तो दोस्तों पूजा हेगड़े के साथ जो कि महेश बाबू सर के और भी ज्यादा नई मूवी को लेकर एक्सपेक्ट कर रखी है, दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनने वाली काफी सारी हिट मूवीज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पटल ग्रेट इंडियन फिल्म्स और के यू मोहन के सिनेमाग्राफर रिलीज में आने वाली काफी हिट मूवी अपकमिंग डेज में आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द प्रीमियर मूवी, जिसके बारे में आप सभी को आज के इस वीडियो में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रहा था, जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे काफ़ी ज़्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफ़ी सारी हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों इस मूवी को ओल्ड डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ओल्ड टीवी प्रीमियर किया जा चुका था। बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारी जगह से इस मूवी को चर्चे देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों आप लोग सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर के न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखे हो। दोस्तों ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग नए सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है, उन सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चे रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीजन से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी, वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा। डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को एंजॉय करने लगे लोग, इस तरह के सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा
प्यार देने लगे। इस सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगेंगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल फिल्में के चांसेस भी रह गया था। पर दोस्तों जब 2024 में गुंटूर करम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर करम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमाघरों पर इन मूवीज के चांसे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं देख रखा है। मूवी के डायरेक्टर, जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर डायरेक्टर बंशी पाडिपल्ली, जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारे हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे। पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेस मूवी इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे। आप लोगों में से कनकर इन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर के कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एज अ सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरीके सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे। कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफी ज्यादा बेहतरीन रखने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला। पर दोस्तों उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे हिंदी के वक्त। उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा हाई कॉस्ट देख रहा था। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा उचे नीचे हो जाता था दोस्तों मूवी की काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिक्स लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिक्स लेना नहीं पसंद किया, और बाद में इस मूवी के काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चार्ज से देखने को मिला। इस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चार्ज से रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सिक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा। और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज के चार्ज के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों जिस दौरान गुंटूर करम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे, जो कि बाद में उनकी काफ़ी सारे मूवीज और श्रीमंत हड़ो जैसी कुछ हिट मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी पाडिपल्ली ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थालापति विजय सर के साथ रश्मिका मंदाना लीड कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज में देखने के रीजन से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज के चार्ज से मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा, तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात रह जाएगा वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी के रिलीज प्रीमियर के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चर्चे करवाएंगे, ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए ये काफी खास और काफी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी ऑलोरजन के साथ काफ़ी सारी हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को DJ मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपने लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त, जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नई प्रीमियर मूवी के साथ साथ सबसे सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए काफ़ी हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के चार्ज या रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे लीड प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे लोग इस तरह की सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे, जो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज फिल्म को लेकर इंतजार कर रखे हो, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चर्चे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नई सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में
लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भरत आने नैनू को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला, ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा प्रेमी के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, और भरत आने नैनू जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ, आप सभी को बता दें वापसी बड़े पर 2014 में ये बुद्ध मूवी को डायरेक्ट किया था, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही लीड कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे, जिनमें से बेहतरीन रामचरण को ही लीड कास्टिंग देखने को मिला, जिसके साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फिल्म बारिश मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगे थे। आप सभी को बता दें 2023 में बारिश मूवी को प्रीमियर करने के बाद मूवी के चार चार पॉपुलरिटी काफ़ी डिफरेंस रह गया, और 2010 में वृंदावनम जो भी एक बेहतरीन मूवी है रामपति रानी सर की मूवी के साथ, और 2019 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 4 साल के गैपिंग के साथ 2023 में वारिश मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह भी रह चुका था पॉपुलरिटी के मामले में। अगर दोस्तों नई और प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो इस तरीके से नई प्रीमियर के साथ साथ आप लोग किस डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के साथ आप कोलाब्रेशन पर नई मूवी को इन्जॉय करना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जब भी सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चार्ज या पॉपुलरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम आप सभी को मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन और प्रीमियर के बारे में चार्ज और इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा 2024 के अंदर रिलीज में आने वाली महेश बाबू सर की और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी चर्चे में आने वाले हैं। उसके साथ जब सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, हम आप सभी को नई मूवी के चर्चे करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकर महेश बाबू सर के स्पेशली फैन हो, आप लोगों को गुंटूर करम ऑलरेडी रिलीज में देखने को मिल चुका है IMDb की तरफ से एक बेहतरीन रिलीज फिल्म के साथ, मूवी मिली हुई महेश बाबू सर के ऑलरेडी काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो नेटवर्क पर। अगर दोस्तों आप सभी में से कनकन प्राइम वीडियो नेटवर्क सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो, तो दोस्तों आप सभी को महेश बाबू सर की हिट मूवी मेकिंग प्राइम वीडियो नेटवर्क पर ही देखने को मिल जाएगा। अमेजन प्राइम की स्पेशल प्रीमियर के साथ महेश बाबू सर की इससे पहले रिलीज में आई हुई स्पाइडर और प्रीमियर मूवी के साथ काफी सारी सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी काफी सारे डिजिटल नेटवर्क के साथ देखने को मिला, बाद में काफी हिट मूवी मेकर्स भी मूवी के चर्चे में रह गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये सब मूवी प्रीमियर चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ रह जाएगा, और पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ आप सभी को हिट मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों प्रकाश राज वंशी पाडिपल्ली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी के साथ काफी बार काम कर चुके थे, पहली बार इन्होंने स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी में लीड कास्टर अल्लारी नरेश को भी देखने को मिला, पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं महेश बाबू सर का अपकमिंग डेज में यशस राजामौली को लेकर काफ़ी हिट मूवी के एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दोस्तों यशस राजामौली सर ने नई मूवी को प्रीमियर और पॉपुलरिटी में लेकर आने वाले हैं, जिसके कन्फर्म रिलीज प्रीमियर आ चुका है, जिसके रीजन से जो लोग फैन है तो दोस्तों उन सभी के लिए काफ़ी खास बात रहने वाला है। यशस राजामौली वन ऑफ द पॉपुलर जिन्होंने बाहुबली और RRR मूवी जैसी बड़ी मूवी को लेकर आए, पैन इंडिया मूवी के साथ महेश बाबू सर की काफ़ी सारी मूवी का रिलीज है, पर दोस्तों अभी तक पैन इंडिया मूवीज रिलीज नहीं हुआ, जिसके रीजन से यशस राजामौली ने महेश बाबू को लेकर 2025 पर पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा, तो काफी सक्सेसफुल मूवी की तरह रह जाएगा। आप लोगों में से कनकन इस तरह के पॉपुलर सिनेमा प्रीमियर की मूवीज और पॉपुलर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों हिट मूवी मेकर्स फैन और हिट मूवी पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर ये काफी खास रह जाएगा। तो दोस्तों पूजा हेगड़े के साथ जो कि महेश बाबू सर के और भी ज्यादा नई मूवी को लेकर एक्सपेक्ट कर रखी है, दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनने वाली काफी सारी हिट मूवीज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ग्रेट इंडियन फिल्म्स और KU मोहन के सिनेमाग्राफर रिलीज में आने वाली काफी हिट मूवी अपकमिंग डेज में आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द प्रीमियर मूवी, जिसके बारे में आप सभी को आज की स्पीड में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रखा था, जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे काफ़ी ज़्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफ़ी सारे हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों इस मूवी को ओल्ड डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ओल्ड टीवी प्रीमियर किया जा चुका था, बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारी जगह से इस मूवी को चर्चे देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों आप लोग जो
सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर की न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखी हो। दोस्तों ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग नए सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चे रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीज़न से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी, वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा। डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को इन्जॉय करने लगे लोग, इस तरह के सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देने लगे। इस सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल प्रीमियर के चांसेस भी रह गया था। पर दोस्तों जब 2024 में गुंटूर करम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर करम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चांसेस और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं देख रखा है मूवी के डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर डायरेक्टर वंशी पाडिपल्ली, जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारे हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे, पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे। आप लोगों में से कनकर इन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर के कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एज अ सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे। कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर के पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफी ज्यादा बेहतरीन रखने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला। पर दोस्तों उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे हिंदी के वक्त, उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा हाई कॉस्ट देख रहा था। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा उचे नीचे हो जाता था दोस्तों मूवी की काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिक्स लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिक्स लेना नहीं पसंद किया और बाद में इस मूवी के काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चर्चे देखने को मिला। इस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सिक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज़ के चर्चे के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों जिसी दौरान गुंटूर करम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे, जो कि बाद में उनकी काफ़ी सारे मूवीज और श्रीमंत हड़ू जैसी कुछ हिट मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDB की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी पाडिपल्ली ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थलापति विजय सर के साथ रश्मिका मंदाना लीड कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज़ करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज पे देखने के रीजन से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नए सिनेमा प्रीमियर रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज़ के चर्चे मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा, तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी के इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात रह जाएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी के रिलीज प्रीमियर के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चर्चे करवाएंगे, ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं उन सभी के लिए ये काफी खास और काफी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी ऑल ओरिजिन के साथ काफ़ी सारी हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को DJ मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपने लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त, जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नई प्रीमियर मूवी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम
आप सभी के लिए काफ़ी हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के चर्चा रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे, लीड प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे लोग इस तरह की सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे, जो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रह गया था। पॉपुलरिटी के मामलों में अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज फिल्में को लेकर इंतजार कर रखे हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चर्चे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नई सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भरत अनन्या को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला, ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था। पॉपुलरिटी के मामलों में अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा फिल्म के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, और भरत अनन्या जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ, आप सभी को बता दें वापसी पड़े 2014 में ये बुद्ध मूवी को डायरेक्ट किया था, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा, जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही लीड कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे, जिनमें से बेहतरीन रामचरण को ही लीड कास्टिंग देखने को मिला, जिसके साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन बारिश मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगे थे। आप सभी को बता दें 2023 में बारिश मूवी को प्रीमियर करने के बाद मूवी के चार्ज और पॉपुलरिटी काफ़ी डिफरेंस रह गया, और 2010 में वृंदावनम जो भी एक बेहतरीन मूवी है राम पतरानी सर की मूवी के साथ, और 2019 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 4 साल के गैपिंग के साथ 2023 में वारिश मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह भी रह चुका था। पॉपुलरिटी के मामले में अगर दोस्तों नई और प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इस तरीके से नई फिल्म के साथ साथ आप लोग किस डिजिटल नेटवर्क की फिल्म के साथ आप कोलैबोरेशन पर नई मूवी को इंजॉय करना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जब भी सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम आप सभी को मूवी की रिलीज इन्फॉर्मेशन और फिल्म के बारे में चर्चे और इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। 2024 के अंदर रिलीज में आने वाले महेश बाबू सर की और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी चर्चे में आने वाले हैं, उसके साथ जब सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, हम आप सभी को नई मूवी के चर्चे करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग में से कनकन महेश बाबू सर के स्पेशली फैन हो, आप लोगों को गुंटूर करम ऑलरेडी रिलीज में देखने को मिल चुका है। IMDb की तरफ से एक बेहतरीन रिलीज फिल्म के साथ मूवी मिली हुई महेश बाबू सर के ऑलरेडी काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो नेटवर्क पर। अगर दोस्तों आप सभी में से कनकन प्राइम वीडियो नेटवर्क सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो तो दोस्तों आप सभी को महेश बाबू सर की हिट मूवी मेकिंग प्राइम वीडियो नेटवर्क पर ही देखने को मिल जाएगा। अमेजन प्राइम की स्पेशल प्रीमियर के साथ महेश बाबू सर की इससे पहले रिलीज में आई हुई स्पाइडर और प्रीमियर के साथ काफी सारी सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी काफी सारे डिजिटल नेटवर्क के साथ देखने को मिला। बाद में काफी हिट मूवी मेकर्स भी इन मूवी के चर्चे में रह गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये सब मूवी प्रीमियर चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ रह जाएगा, और पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ आप सभी को हिट मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों प्रकाश राज वंशी पाडिपल्ली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी के साथ काफी बार काम कर चुके थे, पहली बार इन्होंने स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी में लीड कास्टर अल्लारी नरेश को भी देखने को मिला। पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं महेश बाबू सर का अपकमिंग डेज में यशस राजामौली को लेकर काफ़ी हिट मूवी के एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दोस्तों यशस राजामौली सर ने नई मूवी को प्रीमियर और पॉपुलरिटी में लेकर आने वाले हैं, जिसके कन्फर्म रिलीज प्रीमियर आ चुका है, जिसके रीजन से जो लोग फैन है तो दोस्तों उन सभी के लिए काफ़ी खास बात रहने वाला है। यशस राजामौली वन ऑफ द पॉपुलर, जिन्होंने बाहुबली और RRR मूवी जैसी बड़ी मूवी को लेकर आए। पैन इंडिया मूवी के साथ महेश बाबू सर की काफ़ी सारी मूवी तो रिलीज किया, पर दोस्तों अभी तक पैन इंडिया मूवीज रिलीज नहीं हुआ, जिसके रीजन से यशस राजामौली ने महेश बाबू को लेकर 2025 पर पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा, तो काफी सक्सेसफुल मूवी की तरह रह जाएगा। आप लोगों में से कनकन इस तरह के पॉपुलर सिनेमा प्रीमियर की मूवीज और पॉपुलर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों हिट मूवी मेकर्स फैन और हिट मूवी पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर ये काफी खास रह जाएगा। तो दोस्तों पूजा हेगड़े के साथ जो कि महेश बाबू सर के और भी ज्यादा नई मूवी को लेकर एक्सपेक्ट कर रखी है, दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनने वाली काफी सारी हिट मूवीज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पटल ग्रेट इंडियन फिल्म्स और के उ मोहन के सिनेमाग्राफर रिलीज में आने वाली काफी हिट मूवी अपकमिंग डेज में आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द
प्रीमियर मूवी जिसके बारे में आप सभी को आज की स्पीड में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रखा था, जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों मूवी के पॉपुलैरिटी और चर्चे काफी ज्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफी सारे हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों इस मूवी को ऑल डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ऑल टीवी प्रीमियर किया जा चुका था। बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफी सारी जगह से इस मूवी को चर्चे देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों आप लोग जो सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर की न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखे हो, दोस्तों ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग नए सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चे रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीजन से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी, वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा। डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को एंजॉय करने लगे, लोग इस तरीके सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देने लगे। ये सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल प्रीमियर के चांसेस भी रह गया था। पर दोस्तों जब 2024 में गुंटूर क्रम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर क्रम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चांसेस और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं देख रखा है। मूवी के डायरेक्टर, जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर डायरेक्टर वंशी पाडिपल्ली, जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारे हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे, पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे। आप लोगों में से कनकर इन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर के कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह से एज अ सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरीके सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर के पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफी ज्यादा बेहतरीन रखने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला। पर दोस्तों उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे हिंदी के वक्त, उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा हाई कॉस्ट देख रहा था। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा ऊँचे नीचे हो जाता था दोस्तों मूवी की काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिक्स लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिक्स लेना नहीं पसंद किया और बाद में इस मूवी के काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चर्चे देखने को मिला। इस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सिक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज़ के चर्चे के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों जिस दौरान गुंटूर क्रम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह गए थे, जो कि बाद में उनकी काफ़ी सारे मूवीज और श्रीमंत हड़वो जैसी कुछ हिट मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी पाडिपल्ली ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थलापति विजय सर के साथ रश्मिका मंदाना लीड कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज में देखने के रीजन से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में अगर दोस्तों आप लोग नए सिनेमा प्रीमियर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी के इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात भी
काफ़ी रेंज आएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफ़ी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी के रिलीज प्रीमियर के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चर्चे करवाएंगे ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी खास और काफ़ी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी ऑल ओवर के साथ काफ़ी सारे हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को डीजे मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपनी लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नई प्रीमियर मूवी के साथ साथ सबसे सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कॉमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए काफ़ी हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे लीड प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे लोग इस तरह की सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे जो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रह गया था। पॉपुलरिटी के मामलों में अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज फिल्में को लेकर इंतजार कर रखे हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चर्चे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भरत आने ननु को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था। पॉपुलरिटी के मामलों में अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो और भरत आने ननु जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ आप सभी को बता दें वापसी बड़े पुराने 2014 में ये बुद्ध मूवी को डायरेक्ट किया था जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही लीड कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे जिनमें से बेहतरीन रामचरण को ही लीड कास्टिंग देखने को मिला जिसके साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन वारिशु मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगे थे। आप सभी को बता दें 2023 में वारिशु मूवी को प्रीमियर करने के बाद मूवी के चार्ज और पॉपुलरिटी काफ़ी डिफरेंस रह गया और 2010 में वृंदावनम जो भी एक बेहतरीन मूवी है राम पतरानी सर की मूवी के साथ और 2019 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 4 साल के गैपिंग के साथ 2023 में वारिशु मूवी को इंट्रोड्यूस किया जो सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह भी रह चुका था। पॉपुलरिटी के मामले में अगर दोस्तों नई और प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो इस तरीके से नई प्रीमियर के साथ साथ आप लोग किस डिजिटल नेटवर्क की प्रीमियर के साथ आप कोलैबोरेशन पर नई मूवी को इन्जॉय करना पसंद करते हो आप हमें कमेंट्स करिएगा। जब भी सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हम आप सभी को मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन और प्रीमियर के बारे में चर्चे और इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। 2024 के अंदर रिलीज में आने वाले महेश बाबू सर की और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी चर्चे में आने वाले हैं उसके साथ जब सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा हम आप सभी को नई मूवी के चर्चे करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग में से कनकर महेश बाबू सर के स्पेशली फैन हो आप लोगों को गुंटूर करम ऑलरेडी रिलीज में देखने को मिल चुका है। IMDb की तरफ से एक बेहतरीन रिलीज फिल्म के साथ मूवी मिली हुई महेश बाबू सर के ऑलरेडी काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो नेटवर्क पर। अगर दोस्तों आप सभी में से कनकर प्राइम वीडियो नेटवर्क सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो तो दोस्तों आप सभी को महेश बाबू सर की हिट मूवी मेकिंग प्राइम वीडियो नेटवर्क पर ही देखने को मिल जाएगा। अमेजन प्राइम की स्पेशल प्रीमियर के साथ महेश बाबू सर की इससे पहले रिलीज में आई हुई स्पाइडर और प्रीमियर के साथ काफी सारे सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी काफी सारे डिजिटल नेटवर्क के साथ देखने को मिला। बाद में काफी हिट मूवी मेकर्स भी इन मूवी के चर्चे में रह गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये सब मूवी प्रीमियर चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ रह जाएगा और पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ आप सभी को हिट मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा ताकि दोस्तों प्रकाश राज वंशी पाडिपल्ली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी के साथ काफी बार काम कर चुके थे। पहली बार इन्होंने स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी में लीड कास्टर अल्लारी नरेश को भी देखने को मिला। पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए महेश बाबू सर का अपकमिंग डेज में यशस राजामौली को लेकर काफ़ी हिट मूवी के एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दोस्तों यशस राजामौली सर ने नई मूवी को प्रीमियर और पॉपुलरिटी में लेकर आने वाले हैं जिसके कन्फर्म रिलीज प्रीमियर आ चुका है जिसके रीजन से जो लोग फैन है तो दोस्तों उन सभी के लिए काफ़ी खास बात रहने वाला है। यशस राजामौली वन ऑफ द पॉपुलर जिन्होंने बाहुबली और RRR मूवी जैसी बड़ी मूवी को लेकर आए। पैन इंडिया मूवी के साथ महेश बाबू सर की काफ़ी सारी मूवी तो रिलीज में आए
पर दोस्तों अभी तक पैन इंडिया मूवीज रिलीज नहीं हुआ, जिसके रीजन से यश राजामौली ने महेश बाबू को लेकर 2025 पर पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा, तो काफी सक्सेसफुल मूवी की तरह रह जाएगा। आप लोगों में से कनकन इस तरह के पॉपुलर सिनेमा प्रीमियर की मूवीज और पॉपुलर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों हिट मूवी मेकर्स फैन और हिट मूवी पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर ये काफी खास रह जाएगा। तो दोस्तों पूजा हेगड़े के साथ जो कि महेश बाबू सर के और भी नई मूवी को लेकर एक्सपेक्ट कर रखी है, दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनने वाली काफी सारी हिट मूवीज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ग्रेट इंडियन फिल्म्स और के यू मोहन के सिनेमाग्राफर रिलीज में आने वाली काफी हिट मूवी अपकमिंग डेज में आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द प्रीमियर मूवी, जिसके बारे में आप सभी को आज की इस वीडियो में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रखा था, जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे काफी ज्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफी सारे हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों इस मूवी को ऑल डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ऑल टीवी प्रीमियर किया जा चुका था। बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफी सारी जगह से इस मूवी को चर्चे देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों आप लोग सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर के न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखे हो। दोस्तों ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग नए सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है, उन सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चे रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीजन से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी, वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा। डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को एंजॉय करने लगे लोग, इस तरह के सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देने लगे। ये सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल प्रीमियर के चांसेस भी रह गया था। पर दोस्तों जब 2024 में गुंटूर करम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर करम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमाघरों पर इन मूवीज के चांसे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं देख रखा है। मूवी के डायरेक्टर, जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर डायरेक्टर वंशी पाडिपल्ली, जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारे हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे, पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे। आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर के कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह से एज अ सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफी ज्यादा बेहतरीन रखने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला। पर दोस्तों उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे हिंदी के वक्त, उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा हाई कॉस्ट देख रहा था। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा ऊँचे नीचे हो जाता था दोस्तों मूवी की काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिक्स लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिक्स लेना नहीं पसंद किया, और बाद में इस मूवी के काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चर्चे देखने को मिला। इस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सीक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज़ के चर्चे के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों जिसके दौरान गुंटूर क्रम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे, जो कि बाद में उनकी
काफ़ी सारे मूवीज और श्रीमंत हड़ो जैसी कुछ हिट मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDB की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी पाड़ेपुलू ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज़ किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थालापति विजय सर के साथ रश्मिका मंदाना लीड कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज़ करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज में देखने के रीजन से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नए सिनेमा प्रीमियर रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज़ के चर्चे मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा, तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी के इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात भी रह जाएगा वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी के रिलीज फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चर्चे करवाएंगे, ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए ये काफी खास और काफी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी अल्लूर्जुन के साथ काफ़ी सारी हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को DJ मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपने लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त, जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नए प्रीमियर मूवी के साथ साथ सबसे सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए काफ़ी हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे लीड प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे लोग इस तरह की सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे, जो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज फिल्म को लेकर इंतजार कर रखे हो, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चर्चे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भरत आने ननु को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला, ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा फिल्म के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो और भरत आने ननु जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ, आप सभी को बता दें वंशी पाड़ेपुलू ने 2014 में यबुदो मूवी को डायरेक्ट किया था, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा, जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे, जिनमें से बेहतरीन रामचरण को ही लीड कास्टिंग देखने को मिला, जिसके साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन वारिशु मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगे थे। आप सभी को बताते 2023 में वारिशु मूवी को प्रीमियर करने के बाद मूवी के चार चार पॉपुलरिटी काफ़ी डिफरेंस रह गया और 2010 में वृंदावनम जो भी एक बेहतरीन मूवी है रामपतनानी सर की मूवी के साथ, और 2019 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 4 साल के गैपिंग के साथ 2023 में वारिशु मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह भी रह चुका था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इस तरह के सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ आप लोग किस डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के साथ आप कोलैबोरेशन पर नई मूवी को इन्जॉय करना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जब भी सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम आप सभी को मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन और प्रीमियर के बारे में चर्चे और इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। 2024 के अंदर रिलीज में आने वाले महेश बाबू सर की और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी चर्चे में आने वाले हैं, उसके साथ जब सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, हम आप सभी को नई मूवी के चर्चे करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकर महेश बाबू सर के स्पेशली फैन हो, आप लोगों को गुंटूर करम ऑलरेडी रिलीज में देखने को मिल चुका है। IMDB की तरफ से एक बेहतरीन रिलीज फिल्म के साथ मूवी मिली हुई महेश बाबू सर के ऑलरेडी काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो नेटवर्क पर। अगर दोस्तों आप सभी में से कनकर प्राइम वीडियो नेटवर्क सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो, तो दोस्तों आप सभी को महेश बाबू सर की हिट मूवी मेकिंग प्राइम वीडियो नेटवर्क पर ही देखने को मिल जाएगा। Amazon प्राइम की स्पेशल प्रीमियर के साथ महेश बाबू सर की इससे पहले रिलीज में आई हुई स्पाइडर और प्रीमियर मूवी
मूवी के साथ काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क के साथ देखने को मिला। बाद में काफ़ी हिट मूवी मेकर्स भी मूवी के चर्चे में रह गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलेगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये सब मूवी प्रीमियर चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ रह जाएगा और पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ आप सभी को हिट मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों प्रकाश राज वंशी पाडिपल्ली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी के साथ काफ़ी बार काम कर चुके थे, पहली बार इन्होंने स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी में लीड कास्टर अल्लारी नरेश को भी देखने को मिला। पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं महेश बाबू सर का अपकमिंग डेज में यश राजामौली को लेकर काफ़ी हिट मूवी के एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दोस्तों यश राजामौली सर ने नई मूवी को प्रीमियर और पॉपुलरिटी में लेकर आने वाले हैं, जिसके कन्फर्म रिलीज प्रीमियर आ चुका है, जिसके रीजन से जो लोग फैन है तो दोस्तों उन सभी के लिए काफ़ी खास बात रहने वाला है। यश राजामौली वन ऑफ द पॉपुलर जिन्होंने बाहुबली और आरआरआर मूवी जैसी बड़ी मूवी को लेकर आए। पैन इंडिया मूवी के साथ महेश बाबू सर की काफ़ी सारी मूवी का रिलीज है, पर दोस्तों अभी तक पैन इंडिया मूवीज रिलीज नहीं हुआ, जिसके रीजन से यशस राजामौली ने महेश बाबू को लेकर 2025 पर पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा, तो काफी सक्सेसफुल मूवी की तरह रह जाएगा। आप लोगों में से कनकन इस तरह के पॉपुलर सिनेमा प्रीमियर की मूवीज और पॉपुलर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों हिट मूवी मेकर्स फैन और हिट मूवी पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर ये काफी खास रह जाएगा। तो दोस्तों पूजा हेगड़े के साथ जो कि महेश बाबू सर के और भी ज्यादा नई मूवी को लेकर एक्सपेक्ट कर रखी है, दिल राजू के प्रोडक्शन पर बनने वाली काफी सारी हिट मूवीज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ग्रेट इंडियन फिल्म्स और के यू मोहन के सिनेमाग्राफर रिलीज में आने वाली काफी हिट मूवी अपकमिंग डेज में आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द प्रीमियर मूवी, जिसके बारे में आप सभी को आज की इस वीडियो में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफ़ी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रहा था, जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफ़ी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे काफ़ी ज़्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफ़ी सारे हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों इस मूवी को ओल्ड डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ओल्ड टीवी प्रीमियर किया जा चुका था, बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारी जगह से इस मूवी को चर्चे देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों आप लोग जो सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर के न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखे हो, तो दोस्तों ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग नए सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है, उन सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चे रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीजन से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी, वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा, डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को इन्जॉय करने लगे, लोग इस तरह के सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देने लगे। ये सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल प्रीमियर के चांसेस भी रह गया था, पर दोस्तों जब 2024 में गुंटूर करम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर करम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चांसेस और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं देख रखा है। मूवी के डायरेक्टर, जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर डायरेक्टर वंशी पाडिपल्ली, जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारी हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे, पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे। आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर के कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर
के पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला। पर दोस्तों उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे हिंदी के वक्त, उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट देख रहा था। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा ऊँचे नीचे हो जाता था दोस्तों मूवी की काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिक्स लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिक्स लेना नहीं पसंद किया, और बाद में इस मूवी के काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चार्ज से देखने को मिला। इस तरीके पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चार्ज से और रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सिक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज़ के चार्ज के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों इसी दौरान गुंटूर क्रम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे, जो कि बाद में उनकी काफ़ी सारे मूवीज और श्रीमंत थड़ू जैसी कुछ हिच मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDB की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी बड़ेपलू ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थलापति विजय सर के साथ रश्मिका मंदाना लीड कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज़ करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज में देखने के रीजन से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था बीडे के पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नए सिनेमा प्रीमियर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज के साथ से मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा, तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी के इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात रह जाएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी के रिलीज प्रीमियर के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चर्चे करवाएंगे, ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं उन सभी के लिए ये काफी खास और काफी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी ऑल ओरिजिन के साथ काफ़ी सारी हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को DJ मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपनी लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त, जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नई प्रीमियर मूवी के साथ साथ सबसे सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए काफ़ी हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफ़ी सारे नई मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे लीड प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे लोग इस तरह की सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे, जो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज प्रीमियर को लेकर इंतजार कर रखे हो, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चर्चे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नई सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भरत आने नानू को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला, ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो और भरत आने नानू जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ, आप सभी को बता दें वंशी बड़ेपलू ने 2014 में ये बदो मूवी को डायरेक्ट किया था, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा, जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे, जिनमें से बेहतरीन रामचरण को ही लीड कास्टिंग देखने को मिला, जिसके साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन वारिशु मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगे थे। आप सभी को बता दें 2023 में वारिशु मूवी को प्रीमियर करने के बाद मूवी के चार्चे और पॉपुलरिटी काफ़ी डिफरेंस रह गया, और 2010 में वृंदावनम जो भी एक बेहतरीन मूवी है राम सर की मूवी के साथ, और 2019 के बाद उन्होंने डायरेक्ट
चार साल के गैपिंग के साथ 2023 में वारिशी मूवी को इंट्रोड्यूस किया है, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह भी रह चुका था। पॉपुलरिटी के मामले में अगर दोस्तों नई और प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इस तरीके से नई फिल्म के साथ साथ आप लोग किस डिजिटल नेटवर्क की फिल्म के साथ आप कोलैबोरेशन पर नई मूवी को इंजॉय करना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जब भी सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चर्चे और पॉपुलरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम आप सभी को मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन और फिल्म के बारे में चर्चे और इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। 2024 के अंदर रिलीज में आने वाले महेश बाबू सर की और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी चर्चे में आने वाले हैं। उसके साथ जब सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, हम आप सभी को नई मूवी के चर्चे करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग में से कनकर महेश बाबू सर के स्पेशली फैन हो, आप लोगों को गुंटूर करम ऑलरेडी रिलीज में देखने को मिल चुका है। IMDb की तरफ से एक बेहतरीन रिलीज फिल्म के साथ मूवी मिली हुई महेश बाबू सर के ऑलरेडी काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो नेटवर्क पर। अगर दोस्तों आप सभी में से कनकर प्राइम वीडियो नेटवर्क सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो, तो दोस्तों आप सभी को महेश बाबू सर की हिट मूवी मेकिंग प्राइम वीडियो नेटवर्क पर ही देखने को मिल जाएगा। अमेजन प्राइम की स्पेशल प्रीमियर के साथ महेश बाबू सर की इससे पहले रिलीज में आई हुई स्पाइडर और प्रीमियर मूवी के साथ काफी सारी सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी काफी सारे डिजिटल नेटवर्क के साथ देखने को मिला। बाद में काफी हिट मूवी मेकर्स भी इन मूवी के चर्चे में रह गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये सब मूवी प्रीमियर चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ रह जाएगा और पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ आप सभी को हिट मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों प्रकाश राज वंशी पाडिपल्ली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी के साथ काफी बार काम कर चुके थे, पहली बार इन्होंने स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी में लीड कास्टर अल्लारी नरेश को भी देखने को मिला। पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं महेश बाबू सर का अपकमिंग डेज में यशस राजामौली को लेकर काफी हिट मूवी के एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दोस्तों यशस राजामौली सर ने नई मूवी को प्रीमियर और पॉपुलरिटी में लेकर आने वाले हैं, जिसके कन्फर्म रिलीज प्रीमियर आ चुका है, जिसके रीजन से जो लोग फैन है तो दोस्तों उन सभी के लिए काफी खास बात रहने वाला है। यशस राजामौली वन ऑफ द पॉपुलर जिन्होंने बाहुबली और RRR मूवी जैसी बड़ी मूवी को लेकर आए। पैन इंडिया मूवी के साथ महेश बाबू सर की काफी सारी मूवी का रिलीज किया, पर दोस्तों अभी तक पैन इंडिया मूवीज रिलीज नहीं हुआ, जिसके रीजन से यशस राजामौली ने महेश बाबू को लेकर 2025 पर पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा, तो काफी सक्सेसफुल मूवी की तरह रह जाएगा। आप लोगों में से कनकन इस तरह के पॉपुलर सिनेमा प्रीमियर की मूवीज और पॉपुलर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों हिट मूवी मेकर्स फैन और हिट मूवी पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर ये काफी खास रह जाएगा। तो दोस्तों पूजा हेगड़े के साथ जो कि महेश बाबू सर के और भी ज्यादा नई मूवी को लेकर एक्सपेक्ट कर रखी है, दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनने वाली काफी सारी हिट मूवीज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ग्रेट इंडियन फिल्म्स और के यू मोहन के सिनेमाग्राफर रिलीज में आने वाली काफी हिट मूवी अपकमिंग डेज में आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द प्रीमियर मूवी, जिसके बारे में आप सभी को आज के इस वीडियो में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था, उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रखा था, जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे काफ़ी ज़्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफ़ी सारे हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों इस मूवी को ओल्ड डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ओल्ड टीवी प्रीमियर किया जा चुका था, बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारी जगह से इस मूवी को चर्चे देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों आप लोग सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर की न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखे हो। दोस्तों ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग नए सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है, उन सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चे रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीज़न से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी, वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा। डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को एंजॉय करने लगे लोग, इस तरह के सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा
प्यार देने लगे। ये सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल फिल्म के चांसेस भी रह गया था। पर दोस्तों जब 2024 में गुंटूर करम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर करम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चांसे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं देख रखा है मूवी के डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर डायरेक्टर बंशी पाडिपल्ली, जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारे हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे, पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेस मूवी को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे। आप लोगों में से कनकर इन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर के कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एज अ सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरीके सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे। कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफी ज्यादा बेहतरीन रखने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला। पर दोस्तों उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे हिंदी के वक्त, उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा हाई कॉस्ट लग रहा था। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा ऊंचे नीचे हो जाता था दोस्तों मूवी की काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिक्स लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिक्स लेना नहीं पसंद किया, और बाद में इस मूवी के काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चार्ज से देखने को मिला। इस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चार्ज से रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सिक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा। और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज के चार्ज के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों जिस दौरान गुंटूर करम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे, जो कि बाद में उनकी काफ़ी सारे मूवीज और श्रीमंत हड़वो जैसी कुछ हिट मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDB की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी पाडिपल्ली ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थलापति विजय सर के साथ रश्मिका मंदाना लीड कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज़ करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज में देखने के रीजन से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज के चार्ज से मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा, तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात रह जाएगा वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी के रिलीज फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चार्ज करवाएंगे, ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं उन सभी के लिए ये काफी खास और काफी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी ऑलोजन के साथ काफ़ी सारे हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को DJ मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपने लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त, जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नई प्रीमियर मूवी के साथ साथ सबसे सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए काफ़ी हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफ़ी सारे नई मूवी के चार्ज या रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे लीड प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे लोग इस तरह की सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे, जो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज फिल्म को लेकर इंतजार कर रखे हो, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चार्ज से और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नई सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में
लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भारत आने नैनू को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला, ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा प्रेमी के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो और भारत आने नैनू जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ, आप सभी को बता दें वापसी बड़े पर 2014 में ये बुद्ध मूवी को डायरेक्ट किया था जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही लीड कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे, जिनमें से बेहतरीन रामचरण को ही लीड कास्टिंग देखने को मिला, जिसके साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फिल्म बारिशो मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगे थे। आप सभी को बता दें 2023 में बारिशो मूवी को प्रीमियर करने के बाद मूवी के चर्चे और पॉपुलरिटी काफ़ी डिफरेंस रह गया और 2010 में वृंदावनम जो भी एक बेहतरीन मूवी है रामपति रानी सर की मूवी के साथ, और 2019 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 4 साल के गैपिंग के साथ 2023 में वारिश मूवी को इंट्रोड्यूस किया जो सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह भी रह चुका था पॉपुलरिटी के मामले में। अगर दोस्तों नई और प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ आप लोग किस डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के साथ आप कोलाब्रेशन पर नई मूवी को इन्जॉय करना पसंद करते हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जब भी सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चर्चे और पॉपुलरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हम आप सभी को मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन और प्रीमियर के बारे में चर्चे और इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा 2024 के अंदर रिलीज में आने वाले महेश बाबू सर की और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी चर्चे में आने वाले हैं। उसके साथ जब सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा हम आप सभी को नई मूवी के चर्चे करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकर महेश बाबू सर के स्पेशली फैन हो, आप लोगों को गुंटूर करम ऑलरेडी रिलीज में देखने को मिल चुका है आईएमडीबी की तरफ से एक बेहतरीन रिलीज फिल्म के साथ, मूवी मिली हुई महेश बाबू सर के ऑलरेडी काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो नेटवर्क पर। अगर दोस्तों आप सभी में से कनकन प्राइम वीडियो नेटवर्क सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हो तो दोस्तों आप सभी को महेश बाबू सर की हिट मूवी मेकिंग प्राइम वीडियो नेटवर्क पर ही देखने को मिल जाएगा। अमेजन प्राइम की स्पेशल प्रीमियर के साथ महेश बाबू सर की इससे पहले रिलीज में आई हुई स्पाइडर और प्रीमियर के साथ काफी सारी सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी काफी सारे डिजिटल नेटवर्क के साथ देखने को मिला, बाद में काफी हिट मूवी मेकर्स भी मूवी के चर्चे में रह गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये सब मूवी प्रीमियर चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ रह जाएगा और पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ आप सभी को हिट मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट पर रहना मत भूलिएगा ताकि दोस्तों प्रकाश राज वंशी पाडिपल्ली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी के साथ काफी बार काम कर चुके थे, पहली बार इन्होंने स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी में लीड कास्टर अल्लारी नरेश को भी देखने को मिला, पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं महेश बाबू सर का अपकमिंग डेज में यस एस राजामौली को लेकर काफी हिट मूवी के एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दोस्तों यस एस राजामौली सर ने नई मूवी को प्रीमियर और पॉपुलरिटी में लेकर आने वाले हैं जिसके कन्फर्म रिलीज प्रीमियर आ चुका है, जिसके रीजन से जो लोग फैन है तो दोस्तों उन सभी के लिए काफी खास बात रहने वाला है। यस एस राजामौली वन ऑफ द पॉपुलर जिन्होंने बाहुबली और आरआरआर मूवी जैसी बड़ी मूवी को लेकर आए, पैन इंडिया मूवी के साथ महेश बाबू सर की काफी सारी मूवी को रिलीज में, पर दोस्तों अभी तक पैन इंडिया मूवीज रिलीज नहीं हुआ जिसके रीजन से यस एस राजामौली ने महेश बाबू को लेकर 2025 पर पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा तो काफी सक्सेसफुल मूवी की तरह रह जाएगा। आप लोगों में से कनकन इस तरह के पॉपुलर सिनेमा प्रीमियर की मूवीज और पॉपुलर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा ताकि दोस्तों हिट मूवी मेकर्स फैन और हिट मूवी पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर ये काफी खास रह जाएगा। तो दोस्तों पूजा हेगड़े के साथ जो कि महेश बाबू सर के और भी ज्यादा नई मूवी को लेकर एक्सपेक्ट कर रखी है, दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनने वाली काफी सारी हिट मूवीज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ग्रेट इंडियन फिल्म्स और के यू मोहन के सिनेमाग्राफर रिलीज में आने वाली काफी हिट मूवी अपकमिंग डेज में आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। महेश बाबू सर की साल 2019 की एक्शन रोमांटिक मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को पूजा हेगड़े और महेश बाबू की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द प्रीमियर मूवी जिसके बारे में आप सभी को आज के स्पीड में जानकारी करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों हाल ही में गुंटूर क्रम के बाद महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था उस मूवी को 5 साल के बाद हिंदी पर रिलीज करके अमेजन प्राइम वीडियो नेटवर्क के साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर इस मूवी को रिलीज किया जा चुका था। आईएमडीबी की तरफ से 7.2 की रेटिंग इस मूवी को उस टाइम पर मिला था। इस मूवी को काफी सारे लंबे वक्त के बाद हिंदी में 5 साल लगाकर मूवी को डब किया जा रखा था, जिसके रीजन से ये मूवी हिंदी प्रीमियर फैन के लिए काफी लंबा इंतजार के बाद मूवी देखने को मिला। फिर भी दोस्तों मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे काफ़ी ज़्यादा बरकरार रह गया। ये सब देखते हुए आप लोग अपकमिंग डेज में काफ़ी सारे हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, हिट सिनेमा रिलीज को लेकर इंतजार कर रखे हो, हिट मूवी मेकर्स के फैन की तरफ से टीवी पर इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों इस मूवी को ओल्ड डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ ओल्ड टीवी प्रीमियर किया जा चुका था, बाद में इस मूवी को डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन और काफ़ी सारे जगह से इस मूवी को चर्चे देखने के साथ ये मूवी रिलीज में भी आ चुका था। तो दोस्तों आप लोग जो
सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ इस तरीके रिलीज प्रीमियर की मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो और अपकमिंग डेज में आने वाली महेश बाबू सर की न्यू प्रीमियर मूवी के साथ महेश बाबू सर की नई सिनेमा रिलीज की मूवी को लेकर इंतजार कर रखी हो। दोस्तों ये सब लोग प्रीमियर और प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ जो लोग महेश सिनेमा को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है। पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी चर्चे में रहना और काफ़ी सारे सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के सिनेमा चर्चे रिलीज के बारे में अपडेट मिलने के रीजन से उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महर्षि मूवी, वन ऑफ द सुपर सक्सेसफुल मूवी है। 2019 पर इस मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखाते हुए ये मूवी उसी टाइम काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में आ चुका था। ये सब डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर के फैन के लिए काफ़ी खास रहा। डिफरेंट कैरेक्टर बेस इस मूवी को एंजॉय करने लगे लोग, इस तरह के सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देने लगे। ये सब देखते हुए हम आप सभी को बताना लगे कि महर्षि मूवी के सीक्वल प्रीमियर के चांसेस भी रह गया था। पर दोस्तों जब 2024 में गुंटूर करम को रिलीज कर दिया जा चुका था, गुंटूर करम की पॉपुलरिटी के साथ सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चांसेस और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी के सीक्वल के चांसेस अभी कुछ भी नहीं दिख रखा है। मूवी के डायरेक्टर, जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर डायरेक्टर वंशी पाडिपल्ली, जिन्होंने इससे पहले राजा द ग्रेट जैसी काफी सारे हिट मूवीज इंट्रोड्यूस कर चुके थे, पिछले टाइम इन्होंने काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ मूवी प्रीमियर के मेकर्स और प्रीमियर फैन उन सिनेमा रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हो रखे थे। आप लोगों में से कनकर इन सिनेमा रिलीज के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के प्रीमियर के कोलैबोरेशन पर नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे, नई मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी की तरह से एज अ सक्सेसफुल मूवी की तरफ से एक खास रखने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन सभी के लिए जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई मूवी को लेकर इंतजार कर रहे थे। कुछ मूवी मेकर्स और प्रीमियर फैन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह गया। मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के मामलों में ये काफी ज्यादा बेहतरीन रखने के साथ साथ महर्षि मूवी जब 2019 पर रिलीज में आया था उसी वक्त इस मूवी के हिंदी रिलीज को लेकर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन देखने को मिला। पर दोस्तों उस वक्त महेश बाबू सर की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहे थे हिंदी के वक्त, उस मूवी को पहली बार ही बाहुबली के बाद KGF मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदी रिलीज के लिए, जिसके रीजन से मेकर्स भी उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखे कि मूवी को हिंदी पर कोलैबोरेशन और रिलीज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा हाई कॉस्ट देख रहा था। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा ऊँचे नीचे हो जाता था दोस्तों मूवी की काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ने के रिक्स लेने के रीजन से प्रोडक्शन पार्टनर और प्रोड्यूसर इस मूवी के रिक्स लेना नहीं पसंद किया और बाद में इस मूवी के काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवी के सिनेमा रिलीज के चर्चे देखने को मिला। इस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज के साथ साथ पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज प्रीमियर के ओनर्स इन मूवी को सीक्वल प्रीमियर के साथ देखना पसंद करने लगे, जिसके रीजन से बाद में ये सब मूवी काफ़ी सक्सेसफुल मूवी की तरह लगने लगा और डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन इन मूवीज़ के चर्चे के साथ पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बनाने रखे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में भी आने लग चुके थे। तो दोस्तों इसी दौरान गुंटूर करम के बाद महेश बाबू सर के फैन फॉलोइंग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे, जो कि बाद में उनकी काफ़ी सारे मूवीज और श्रीमंत हड़ू जैसी कुछ हिट मूवी के साथ उनकी सिनेमा रिलीज पर देखने को मिला। IMDB की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवी के साथ वंशी पाडिपल्ली ने इसके साथ साथ काफ़ी सारे हिट मूवी रिलीज में कर चुके थे, जिन्होंने 2007 में मुन्ना मूवी से उन्होंने प्रभास सर के करियर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था। बाद में इन्होंने लेटेस्ट 2023 में वारिशु मूवी रिलीज किया, जिसमें आप सभी को लीड कास्ट में थालापति विजय सर के साथ रश्मिका मंदाना लीड कास्ट में नजर आ रखी है। रश्मिका मंदाना के कोलैबोरेशन पर इन मूवीज़ को रिलीज़ करना और बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रिलीज में देखने के रीजन से मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। कुछ भी सिनेमा रिलीज के चर्चे मिल जाएगा, कुछ भी सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी मिल जाएगा, तो दोस्तों हम आप सभी के साथ मूवी के इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन बात रह जाएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप लोग नई सिनेमा प्रीमियर रिलीज के लिए एक्साइटेड हो और नई मूवी के रिलीज को लेकर इंतजार करोगे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करना मत भूलेगा। हम आप सभी के लिए काफी सारे सुपर सक्सेसफुल मूवी के रिलीज प्रीमियर के अनाउंसमेंट के साथ साथ हिट मूवी के पॉपुलरिटी के चर्चे करवाएंगे, ताकि दोस्तों वो सब जो सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ नई प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड होते हैं उन सभी के लिए ये काफी खास और काफी प्रीमियर बात रह जाएगा। दोस्तों पूजा हेगड़े इस मूवी के साथ उन्होंने ऑलरेडी अल्लूअर्जुन के साथ काफ़ी सारे हिट मूवी के अंदर नजर आ चुकी थी। पूजा हेगड़े की पॉपुलरिटी आप सभी को DJ मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की सुपर सक्सेसफुल मूवी के अंदर भी अपने लीड कास्टिंग दिखा दिया था। ये सब देखते हुए पूजा हेगड़े की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रह गए थे उसी वक्त, जब सिनेमा रिलीज के चर्चे के साथ साथ नई मूवी की पॉपुलरिटी भी रह गया था। आप लोग नई प्रीमियर मूवी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम
आप सभी के लिए काफ़ी हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के चर्चा रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल और बेहतरीन मूवी साबित रह जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में रहिएगा। मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल रहे थे लीड प्रीमियर के फैन, और काफ़ी सारे लोग इस तरह की सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रह गए थे, जो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों आप लोग नई रिलीज फिल्में को लेकर इंतजार कर रखे हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी मूवी के चर्चे और सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल नेटवर्क के प्रीमियर फैन नई सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहने लगे। बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि महेश बाबू सर की मूवी भरत अनन्या को जब हिंदी सिनेमा के मामलों में काफ़ी हिट पॉपुलरिटी मिला, ये सब देखने के साथ वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी की तरह रह गया था पॉपुलरिटी के मामलों में। अगर दोस्तों नई और बेहतरीन सिनेमा फिल्म के साथ साथ इस तरह के प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, और भरत अनन्या जो रिलीज में आते ही काफ़ी सक्सेसफुल रह गया था उस मूवी के साथ, आप सभी को बता दें वंशी पड़कुरु ने 2014 में ये बदो मूवी को डायरेक्ट किया था, जो सुपर सक्सेसफुल मूवी रहेगा, जिसमें रामचरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही लीड कास्टिंग के साथ काम कर रहे थे, जिनमें से बेहतरीन रामचरण